हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। सो आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द फेमस चाइल्ड एक्टर अमित शाह की बायोग्राफी देखेंगे। सो बायोग्राफी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें देती है बहुत सारा मोटिवेशन, और इसी मोटिवेशन की वजह से आपको क्वालिटी वीडियोज देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमित शाह ने 21 अक्टूबर 2001 को मुंबई इंडिया में जन्म लिया। उन्होंने 2009 में एक HBC कमर्शियल से अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद उन्हें बहुत सारे TV कमर्शियल्स में एज ए मेन रोल परफॉर्मर लिया गया। आफ्टर दैट उन्हें रीबुक एड के लिए फीचर किया गया, जहां उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ काम किया। उन्होंने सोप ओपेराज में काफ़ी रोल्स परफॉर्म किए। इन 2012 अमित शाह को डिस्नी इंडिया के पॉपुलर TV सीरियल द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर में कबीर जायसवाल के रोल के लिए साइन किया गया। कबीर कैरेक्टर एक 10 साल का बच्चा है जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मैच्योर भी है, लेकिन वो हमेशा अपने ट्विन ब्रदर करण के साथ मिलकर अपने आप को अपनी शरारतों की वजह से मुसीबत में डाल देता है। यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि करण कोई और नहीं बल्कि अमित शाह के ही कज़न ब्रदर हैं। फिर 2013 में अमित ने एक फिल्म मैं कृष्णा हूँ से सिल्वर स्क्रीन डेब्यू किया, जहाँ उन्होंने वेटरन एक्टर्स लाइक जूही चावला और परेश गनात्रा के साथ काम किया। इस मूवी में उन्होंने कृष्णा का रोल प्ले किया, जो कि एक ऑर्फन किड है, और वो जब भी मुसीबत में पड़ता है कृष्णा उसकी मदद करते हैं। और इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म्स लाइक रमैया वस्तवैया, हंसी तो फंसी में छोटे रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म्स के साथ साथ उन्होंने काफ़ी TV सीरियल्स लाइक बालवीर, गोल्डी, आहूजा, मैट्रिक, पास में भी काम किया। अमित की नेटवर्थ $2.5 बिलियन है, और वो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन चाइल्ड एक्टर भी माने जाते हैं। सो यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इज अमित शाह डेटिंग एनीवन? सो अकॉर्डिंग टू सेलेब्स डेटिंग पीडिया, ही इज करंटली सिंगल, ही इज नॉट डेटिंग एनीवन। करंटली अमित शाह किसी भी सीरियल में काम नहीं कर रहे हैं, और उनका सपना है कि फ्यूचर में पब्लिक की नज़रों में वो एक अच्छे एक्टर देखे जाएं। सो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी अमित शाह की। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।